झिमगिर सावन बरस बरस जाए मन। मुझे पता है बारिश नहीं हो रही है, ऐसे ही मन कर रहा था तो गा लिया। अब ऐसी अगर बारिश होती तो क्या मैं ये कपड़े पहनती? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या पहनती पता नहीं। यही जानने के लिए आज आप और मैं दोनों चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास कि व्हाट टू वेयर इन दिस मॉनसून। और उसे जानने के लिए मैं पहुंच गई हूं अपनी फैशन डिजाइनर पूजा साहू के पास। हेलो पूजा, वेलकम टू द शो। पूजा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है मॉनसून की कि समझ में नहीं आता क्या पहने। लोग जब कबर्ड अपना खोलते हैं वो कहते हैं क्या पहने क्या नहीं पहने, मॉनसून बारिश बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आज हम आपसे यही पूछने आए हैं कि अगर मॉनसून की बात करें तो हमें क्या पहनना चाहिए। आप बहुत सही है, हमारे मॉनसून में कपड़ों के ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और हम ऐसी चीज़ें बहुत सारी फैब्रिक्स हम नहीं पहन सकते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है, तो वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है पहनना। और जैसे सिंथेटिक्स, सिल्क्स, इवन जॉर्जेट्स एंड क्रेप्स यू कांट हैंडल वेल इन मॉनसून्स। आई थिंक कॉटन सबसे अच्छा वर्क करता है मॉनसून्स में क्योंकि बहुत ही ब्रीदिंग फैब्रिक है, कूल फैब्रिक है और कंफर्टेबल है थ्रू द डे। हाँ, अगर आप कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर वर्किंग लेडीज़ हैं, हाँ, तो उन्हें कॉटन ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। अब ये बात हुई हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम स्पेशली बात करें कि कुछ चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे अगर हम फैब्रिक की बात करें, कौन से ऐसे फैब्रिक है जिन्हें मोस्ट प्रॉब्लम में अवॉइड करना चाहिए? जहाँ तक मुझे पता है कि एक सिल्क ऐसा है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए मॉनसून में पहनने से, और कौन कौन से फैब्रिक हैं? सिल्क्स ऑफ कोर्स अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उसमें स्टेन्स आ जाती हैं और फिर ख़राब हो जाता है, फिर स्वेटिंग एंड स्टफ, और मतलब और बहुत फास्ट कलर्स नहीं होते हैं तो कलर्स भी रन करना पॉसिबिलिटी है उसका रन करना। शॉर्ट केप्रीज अप टू योर नी वो पहन सकते हो आप, और अदर फैब्रिक्स भी होते हैं जैसे लिनन्स, थिकर कॉटन्स, ट्राउजर्स, पजामाज, वो सब अच्छे रहते हैं पहनने में। तो ये ज़्यादा रखना चाहिए मैं प्रेफरेबल कि वो ज़्यादा नीचे लॉन्ग ना हो। हाँ, लॉन्ग नहीं हो क्योंकि आप अगर फ्लैट्स पहनते हो तो गंदे होने का डर रहता है और एरी कम होता है, तो मॉनसून में तो ऐसा हवा भी कम रहती है तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो नी लेंथ के ही हमें अटायर पहनने चाहिए अगर हम स्कर्ट भी पहने, क्योंकि कुछ गर्ल्स जो होती हैं वो लॉन्ग स्कर्ट भी पहन लेती हैं, वी शुड अवॉइड इट। हाँ, अ लॉट ऑफ गर्ल्स लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं, वो शॉर्ट प्रेफर नहीं करती हैं बिकॉज वो कॉन्शियस होती हैं, तो इट्स ओके टू वेयर इवन एंकल लेंथ, तो दैट इज़ फाइन। अगर हम बात करें जैसे कि कुछ वर्किंग लेडीज़ जो हमें देख रही हैं इस वक्त, वो जो साड़ी पहनती हैं अगर वो सिल्क की साड़ी पहनती हैं, तो सिल्क की साड़ी तो मॉनसून में हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो उसके अलावा, सिल्क के अलावा हम क्या ले सकते हैं? सिल्क के अलावा आजकल कॉटन्स की भी बहुत अच्छी साड़ियाँ आती हैं, क्वाइट ड्रेसी और प्रिंटेड साड़ीज़ बहुत होती हैं, चंदेरी भी बहुत अच्छा होता है, कोटा भी, दीज आर ऑल वेरी नाइस फैब्रिक्स, तो आई थिंक दिस वर्क्स फाइन। मतलब मॉनसून में अगर आप चंदेरी पहने, कोटा पहने और ये जैसे आपने और कॉटन की साड़ी बताया, तो आप उसे पहन सकते हैं और ऑफिस जा सकते हैं, मतलब यू कांट लीव योर फैशन बिहाइंड। या यू शुडंट। और अगर हम बात करें कलर्स की, कि मॉनसून में कलर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। हाँ, मतलब कलर्स भी हमें देख के ही पहनने चाहिए, जो मन करा वो नहीं पहनने चाहिए, तो कलर्स कौन से पहनने चाहिए? मैं कहती हूँ मॉनसून में आई थिंक आई वुड प्रीफर ब्राइटर कलर्स बिकॉज मौसम थोड़ा डल रहता है, सनलाइट भी कम रहती है और इन जनरल थोड़ा ऐसा लगता है कि लाइट कम रहती है, तो अगर आप ब्राइटर कलर्स पहने तो अच्छा रहता है। और जैसे हम बात करें फुटवेयर की, फुटवेयर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम फुटवेयर की बात करें, लेदर्स के शूज़ अगर हम पहनते हैं मॉनसून में, तो उसे इतना नहीं पहनना चाहिए, वी शुड अवॉइड इट बिकॉज फंगस लग जाता है, इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते हैं तो वो ख़राब भी हो जाएंगे। हाँ, ख़राब भी हो जाएंगे। तो उसके अलावा हमें क्या पहनना चाहिए? यू कैन गो फॉर चीपर यू नो फुटवेयर विच यू कैन वेयर एंड थ्रो, लाइक चप्पल्स, कोल्हापुरीज, यू कैन वेयर एंड थ्रो, इतना अटक वो नहीं होता है, मतलब आपको लगता नहीं है कि ख़राब हो गया है। और ऑल्सो फ्लोटर्स होते हैं, फैंसी फ्लोटर्स, वो पहन सकते हैं। पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करूँ कि हेड टू टो क्या पहनना चाहिए मॉनसून में, तो एक बार फिर से आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। तो मॉनसून में आप थोड़ा लेस फॉर्मल वे में ड्रेसअप कर सकते हैं।
आई थिंक इतना सब अंडरस्टैंड करते हैं ऑफिस में कि मॉनसूनस में थोड़ा यू कैन ड्रेस डाउन, और फिर भी आप बहुत प्ले अराउंड कर सकते हैं, मतलब फुटवेयर से और लेकर आप फैंसी फुटवेयर से लेके केपरीज पहन सकते हैं, फंकी, एक्चुअली यू कैन लुक वेरी क्वर्की इफ़ यू वांट इवन इन मॉनसून. थैंक यू पूजा जी फॉर कमिंग ऑन द शो, इट वॉज नाइस हैविंग यू. थैंक यू सो मच. सो आई एम ऑल सेट टू इन्जॉय दिस मॉनसून. अगर आप भी इन टिप्स को अपने दिमाग में रखती हैं, ख्याल रखती हैं इन टिप्स का, तो आप भी इस मॉनसून को इन्जॉय कर सकती हैं. गो एंड हैव अ ब्लास्ट इन दिस मॉनसून.